यस माय डियर, यदि आप 12th क्लास में हैं, 11th में हैं, 10th में हैं, 9th में हैं, 8th में, अरे रुको सर, आप तो बिल्कुल बैक जा रहे हो। ऐसा कैसे? चलो बैक ईयर को हम फॉरवर्ड लगा देते हैं। चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए जा रहे हैं, सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ये तो समझ में आ रहा है, चाहे आपका प्रोफेशन टीचिंग है, आप इंग्लिश पढ़ाते हैं, फिर क्या हुआ सर? तो आज की जो क्लास है वो आपके लिए स्पेशल क्लास होने जा रही है। वो कैसे होने जा रही है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो इतना रिलेवेंट टॉपिक है और इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो टॉपिक हमारे सामने जब आता है हम अपना होश भूल जाते हैं। और उसकी ना केवल यही एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसकी शक्ल सूरत को देख करके हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कंफ्यूज कैसे हो जाते हैं, उसका नाम क्या है? इस क्लास में मैं आपको केवल और केवल 3 स्टेप्स में, नाम जैसे ही आएगा ना आपको पता चलेगा तो आप जान जाएंगे, क्योंकि उसे सुनकर के होश उड़ ही जाते हैं। केवल और केवल 3 स्टेप्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूं आज के बाद। दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू वोंट हैव एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन, यू हैव मास्टरी ओवर द टॉपिक। द नेम ऑफ दैट इट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही सुना। तो आइए सबसे पहले हम लेते हैं इसके नेम्स, इसको किस किस नेम से जानते हैं। इसका सबसे पहले नेम आप लोगों ने सुना है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम नरेशन बोलते हैं, इसको हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट भी बोलते हैं, ऐसे हम रिपोर्टिंग भी बोलते हैं और ऐसे हम रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं। हाँ सर सुना तो है। तो आप लोगों ने जब सुना है तो आपको ये भी याद हो जाना चाहिए, जब आप लोगों ने इसे पढ़ा है उस समय आप लोगों के सामने क्या आता है, बस एक ही कंडीशन आती है, टीचर्स बोलते जाते हैं। क्यों, कहाँ से बोलते हैं? वो सर हाँ बुक से है ना, उनमें लिखा हुआ है, और आप लोग लिखते जाते हो, आप लोग पूरा लर्न कर लेते हो। और फिर जहां आपको आपको पता है क्या करना होता है, आपके माइंड में सिर्फ सबसे पहले एक टेरर और एक डर ये बैठ जाता है कि आप लोग जो करने वाले हो ना 100% उसमें जितनी बार आप अपना एक्सरसाइज करके ले जाते हो उतनी बार रॉन्ग हो जाता है, या आप एक्सरसाइज करते हो वो भी आपसे रॉन्ग हो जाती है। जब आप 10 करते हो तो ये ग्रामर का एक ऐसा चैप्टर है 10 out of 10 आप नहीं ले पाते। इसी का कारण होता है कि ये आपके अंदर एक डर डर पैदा कर देता है, उस डर के कारण आप लोगों की हिम्मत नहीं होती, आप लोग आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन जरा हम भी तो देखें आज के बाद आप कैसे डरते हो और आपसे कैसे मिस्टेक्स होती है। आज के बाद आप एक एक को चुन चुन के पीटोगे। तो कैसे पीटेंगे आप लोग, मैंने आपको नेम्स बता दिए। इसमें हमें केवल 2 पार्ट्स, इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, और वहां हम क्या करते हैं ये तो आपको अभी 1 मिनट में ही पता चल जाएगा कि स्पेशल क्या होने वाला है। इसको जब हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, कोमा, और एक होता है इसमें इन्वर्टेड कोमा, 2 पंक्चुएशन मार्क्स हम यूज करते हैं। जब हम कोमा वाले पार्ट में लिखते हैं उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, और जब हम इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो भी लिखते हैं, जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद होता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। अब क्वेश्चन आएगा, आप लोग ज्ञान बांटेंगे, क्योंकि आजकल तो ज्ञान का तो भंडारा इतना चला हुआ है, बस सब लगे हुए, कोई कितना भी बांट दो फैला पड़ा है, बस लेने वाले नहीं है। तो जरा अब उस ज्ञान में से अपने आप का परीक्षण कीजिए, आपको कितना सही आता है ये अपने आप को देखिए और जानिए। यदि आप मुझे ये बताना चाहते हैं तो चलो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो मुझे ये ज्ञान देना चाहते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब को तो और भी कुछ कहते हैं, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, एक रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड वर्ब क्यों नहीं कहते? क्वेश्चन बनता है ना, रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टिंग स्पीच क्यों नहीं कहते? क्वेश्चन बनता है ना, बिल्कुल बनता है, एग्जैक्टली। और आप लोग कहेंगे सर आप तो ऊटपटांग तो क्वेश्चंस लेके चल रहे हो, जब होता ही ये तो फिर होता ही ये क्यों है? जब तक भाषा में क्यों, कब, कहां, कैसे, इन चीजों का चुन चुन के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करोगे ना, तब तक आप लोग बस जैसे आपका चल रहा है वैसे चलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, बट चांसेस ऑफ योर सक्सेस इज रियली वेरी लो, बहुत कम होते हैं। क्योंकि जब हम लोगों को यह आ जाता है ना तभी ऐसे खड़े होकर के बड़े आसानी से बोल भी सकते हैं, बिना किसी बुक को हाथ में लिए, बिना किसी PDF को बोर्ड पे लगाए हुए आपको पढ़ाया भी जा सकता है और आपको समझाया भी जा सकता है। भाई मान लीजिए मैं पहले एक टाइप करा के PDF वगैरह तैयार कर लेता हूँ और उसे किसी डिजिटल बोर्ड पर लेकर के आपके लिए आ जाता हूँ, तो उसमें कोई ऐसी खास बात नहीं होती। क्यों, वो तो लिखा हुआ है, इतना मुझे आता है, जब लिखूंगा मैं
तो किसको लिखूंगा? जो मुझे आता है उसी को तो लिखूंगा, लेकिन आज के बाद आप अपने आप से लिखने के योग्य होंगे और अब कहीं भी कुछ भी लिखा मिले उसे करने के योग्य होंगे। इसमें मैं सबसे पहले आपको बताता हूं, जैसे मैंने आपको टू पार्ट्स बताए, एक तो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है, एक रिपोर्टेड स्पीच होता है। आप 12th क्लास के स्टूडेंट्स हो, थोड़ा सीनियर होते हैं, इसे थोड़ा सा फास्ट लेकर के चलेंगे। अब हमें क्या सीखना है, इससे आगे जो सीखना है, बस आपको ये आना चाहिए। क्या आना चाहिए? हमारे जो इंग्लिश में काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं ना, वो कितने होते हैं? वो 5 होते हैं। अब इसमें भी आप लोग कहेंगे सर 5 कहाँ होते हैं, कंडीशनल होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, कंपाउंड होते हैं, तो इसके लिए ना आप डिटेल में मुझसे चर्चा कर सकते हैं। एक एक चीज का चुन चुन के आप जवाब ले सकते हैं। ये मुझे अच्छी तरह से आता है आप लोगों को कैसे जवाब देना है, और आप लोगों ने जो सीखा हुआ है वो क्या सीखा हुआ है ये भी मुझे अच्छी तरह से पता है। यहाँ आप इस चीज को ध्यान से सुने और समझें, आज के बाद सिर्फ और सिर्फ इस माइंड में ये बिठा लें कि इंग्लिश में अगर होते तो केवल 5 काइंड्स के ही सेंटेंसेस होते हैं, 5 काइंड्स के सेंटेंसेस होते हैं, उन्हें हमें लेकर के चलना है। हम उनके नेम आप लोगों को बता देते हैं। सबसे पहले हमारा होता है क्या होता है, असर्टिव। नेक्स्ट क्या होता है, नंबर 2 हमारा होता है माई डियर, इसको आप बोलते हो इंटेरोगेटिव, मैं नहीं बोलूंगा और ना ही आपको ज्ञान दूंगा बोलने के लिए, मैं इसे क्या बोलूंगा, आप भी ऐसे ही बोलना शुरू कीजिए। इसको बोलते हैं इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव। अब आप कहेंगे सर हम तो सुन के ही कंफ्यूजन हमें हो रहा है कि हम इसे बोले तो कैसे बोले, आइए इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव बोलना तो सही सीखिए, अदरवाइज किसी के सामने खड़े होंगे फिर वो आपको कोई टोकेगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरोगेटिव। नेक्स्ट आता है वो क्या आता है, हाँ अरे हाँ मुझे पता है आप इसको इंटरोगेटिव बोलने की आदत पड़ी हुई है, कैसे चेंज करेंगे, तो मैंने बता दिया ना आपको मेथड, आप ऐसे चेंज कीजिए, क्योंकि आप लोगों को ये पता है इन टे नहीं होता, टे की जगह ट होता है, गेटिव नहीं होता, गे की जगह ग होता है, तो बस यही तो कमियां हैं जिन्हें आपको ठीक करना है। वेल अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा इंपेरेटिव, नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्जेक्टिव, और इसके बाद क्या आता है हमारा एक्सक्लेमेटरी। वेरी गुड, ये जो 5 काइंड्स के सेंटेंसेस होते हैं ना, इस क्लास में जो आपको मैं बताने वाला हूँ वो सिर्फ आपके माइंड से इस मिथ को दूर करने वाला हूँ कि जिसके लिए आप बहुत मेहनत करते हो और इतने रूल्स वगैरह याद करते हो उनकी आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कि जैसे हमने लिया हमारे 5 काइंड्स के सेंटेंसेस होते हैं और इनमें जो हम कंजंक्शन यूज करते हैं तो वो पता है कितने करते हैं, केवल और केवल 3। 3 कैसे, वहां ये मैं अभी आपको बताने वाला हूं। अब आप सोचेंगे सर कंजंक्शंस तो बहुत होते हैं, आप कैसे कह सकते हो हम केवल 3 यूज करते हो, आपको बोला है ना, मैंने आपको जो बताया है, मैंने बताया है कि हम क्या सीख रहे हैं, नरेशन, और मैं यहाँ 3 से ज्यादा जब यूज करूं तो आप मेरा हाथ पकड़ लेना, रोक लेना। सर आप तो पहली बार बता रहे हो, WH वर्ड की लाइन लगी हुई है, मैंने क्या कहा है आपसे, मैंने जो आपको सिखाने के लिए बोला है ना, मैंने वो बोला है, आप पहले उसे ध्यान से सुने और उसे सीखे। दैट मीन्स आपको केवल और केवल 3, और 3 में से भी आगे 2 ही रह जाएंगे, वो कैसे रह जाएंगे वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो इसमें हम जब हमारी रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस की हो या हमारी किसकी हो, ऑब्जेक्टिव की हो, एक्सक्लेमेटरी, 3 सेंटेंस निकल गए। जब 3 सेंटेंस निकल गए यदि हमारे ये रिपोर्टेड स्पीच में हो तो यहाँ केवल दमादम अकेला ही लगेगा, वो क्या लगेगा, दैट। दैट मीन्स दैट ने अकेले ने 3 को कवर किया, जब दैट ने अकेले ने 3 को कवर किया तो बचा ही क्या है, इंपेरेटिव। तो आप मुझे ये जरा ये बताइए 2 कंजंक्शन होता है क्या, है? होता है क्या, अरे बताइए ना, अभी आप कह रहे थे ना WH वर्ड की लाइन लगी हुई है, तो आप मुझे बताइए 2 क्या कंजंक्शन होता है, नहीं होता ना, क्या है वो, अगर इसके डिटेल में आप जाना चाहते हो क्या है, कब यूज करते हैं, क्या फंक्शन होता है, तो बहुत अच्छी तरह से हम लोग इस पर चर्चा कर सकते हैं। बस आप लोगों का थोड़ा सा कोऑपरेशन चाहिए, ज्वाइन बटन दिया हुआ है, जाइए और जुड़िए और आप लोग अपनी क्वेरीज को कीजिए, अपने परिवार को थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए ताकि हम लोग लाइव आकर के आप लोगों को इन सब चीज़ों का अच्छी तरह से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें और आप लोगों को आगे लीड कर सकें। आप लोगों ने अभी तक बहुत कुछ सीखा है। अब यहाँ मैं आपको जो बताना चाहूँगा वो ये बताना चाहूँगा, जब हमारे ये 3 टाइप्स के सेंटेंसेस रिपोर्टेड यूज में आते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कंजंक्शन दैट यूज करते हैं। उसके बाद में जब हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं, केवल और केवल 2 लगाते हैं। अब आता है येस नो टाइप्स के जब क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, वहाँ इफ या वेदर, और इफ या वेदर में भी आपकी छूट होती है। जब हमारा एकेडमिकली हम लोग इसे पढ़ते हैं इफ या वेदर में भी आपकी छूट होती है, लेकिन ध्यान रखना यदि इसको कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाला सीख रहा है तो उसके लिए इफ और वेदर में भी डिफरेंस होता है, वो मैं आगे आने वाली क्लासेज में आपको और इसे डिटेल में आपको समझाता हूँ। तो यहाँ आपको जो हम एकेडमिकली लेके चले हुए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि हम इफ और वेदर दोनों में से कोई सा एक यूज कर सकते हैं, दैट मीन्स आप इफ को ही लीजिए ना, क्यों, इसकी स्पेल्स भी इजी होती है, लिखने में भी इजी होता है, वर्णन तो हो ही जाता है। अगर नहीं होता है तो आपने ये तो गाना तो सुना होगा ना, इफ एंड बट, ज्यादा इफ एंड बट मुझे नहीं अच्छा लगता, तो इफ एंड बट, इफ आपको लर्न हो गया
दैट आपको लर्न हो गया। अब दो आपको जब लर्न हो गए तो बचा ही क्या है, अब क्या बचा है सर, अभी तो बहुत रह गए, नहीं रहा। इसीलिए तो मैंने आपको बताया था कि इस क्लास में मैं ये प्रूफ करने वाला हूँ, आप लोगों ने जो ऐसे सीखा है, जिस सिस्टम से आप लोगों ने सीखा है, उस सिस्टम को छोड़िए और बस क्या कीजिए, एक स्मार्ट वर्क कीजिए। स्मार्ट वर्क इन द सेंस, चीज की डेप्थ तक जाइए और फाइनल उसका कंक्लूजन लीजिए। अब उसमें से जाकर के ढूंढिए कि फाइनली जब हम इसके साथ इतने ऑपरेशंस करते हैं तो इसमें हमें कितने स्टेप्स चलने होते हैं। मेरा भी पहला स्टेप कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ मैंने आपको दैट बताया, एफ बताया, टू कंजंक्शंस बताए, इंपेरेटिव जो आता है वो मैंने आप लोगों को टू बताया है। इसके अलावा अब जो रह जाता है, अरे रह क्या जाता है, वो क्या आपको लर्न करना है, डब्ल्यू एच वर्ड जो होता है, हाँ लर्न करना हो तो मुझे बताइए, वो तो देता है एग्जामिनर देता है, आप लोगों को वही लगा देना होता है। अरे सर आप जा करके हमें तो ये थोड़ा सा समझ में आया है, यदि मैंने इसको फास्ट बोल दिया है, वीडियो को थोड़ा स्लो कीजिए और ढंग से इसको सीखिए समझिए, क्योंकि मैंने इसमें आप लोगों को कंजंक्शंस की जो भी आपको कभी प्रॉब्लम होती थी उसको हमेशा के लिए ओवर कर दिया है। और नेक्स्ट क्लास जो आपकी होती है, उस नेक्स्ट स्टेप में जो मैं आता हूँ, वो मैं आप लोगों को बस जो दो स्टेप्स बचे हुए हैं ना आने वाली क्लास में, मैं अपनी ट्राई तो यही करूँगा दोनों स्टेप्स को मैं नेक्स्ट क्लास में निकाल दूँ। उसके बाद मैं आपसे कुछ एक्सरसाइज डिस्कस करूँगा, प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के साथ आऊँगा, लेकिन उसमें मैं ये चाहता हूँ कि मैं लाइव आकर के आप लोगों के साथ प्रैक्टिस करूँ। तो इसलिए इस प्रवार को थोड़ा सा बढ़ाइए, अपना प्यार दीजिए, आप लोगों को ने अपना कीमती समय दिया और आपको क्या समझ में आया, कितना समझ में आया। हाँ एक बात अवश्य है माय डियर, आपको जो भी मिला है ना बिल्कुल वैरेंट मिला है, न्यू मिला है, इससे पहले आपने इसको इस वे में नहीं सीखा है। तो आइए क्या करते हैं, अब आपसे विदा लेते हैं और नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मिलियन थैंक्स।